हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के बारे में, और जाने कैसे करें इन दिनों माता की साधना, इन दिनों में देवी उपासना का क्या महत्व है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र से देवी की उपासना की जाती है। यह समय शाक्त महाकाली की पूजा करने वाले एवं शैव भगवान शिव की पूजा करने वालों के लिए विशेष होता है। गुप्त नवरात्रि में संहार करने वाले देवी देवताओं के गणों एवं गणिकाओं 64 योगिनी अर्थात भूत प्रेत पिशाच बैताल डाकिनी शाकिनी खंडगी शूलनी शव वाहनी शव रूढ़ा आदि की साधना की जाती है। इसके साथ ही पंच मकार शराब मछली मुद्रा मैथुन मास की साधना भी इसी नवरात्रि में की जाती है। साल में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिनमें 2 प्रचलित और 2 गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। हालांकि अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। साल की पहली नवरात्रि चैत्र मास में आती है, जो प्रकट नवरात्रि कहलाती है। इसका आरंभ गुड़ी पड़वा से होता है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है, जो गुप्त नवरात्रि कहलाती है। तीसरी नवरात्रि आश्विन मास में आती है, जिसमें गरबा आदि के माध्यम से देवी माँ की आराधना की जाती है। साल की अंतिम नवरात्रि माघ मास में आती है, ये भी गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इस तरह एक हिंदू वर्ष में 4 नवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं के लिए साधना की जाती है। इनके नाम है काली महाविद्या, तारा देवी, षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी, छिन्नमस्ता धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी, ये 10 महाविद्या कहलाती है। हालांकि इन नवरात्रियों में तांत्रिक अघोरी और खासकर देवी भक्त इन दिनों माता की साधना करते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि इन दिनों केवल देवी भक्त ही माता की पूजा करें। अन्य भक्त भी इन दिनों माता की साधारण पूजा करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना करना कठिन है, पर मैं इस वीडियो में इनकी सरल पूजा इन दिनों कैसे करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इन दिनों आप अपने घर या मंदिर में माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने पूर्व की तरफ मुख करके बैठकर प्रतिपदा यानी पड़वा को माता की पूजा आरंभ करें। माता की साधारण षोडशोपचार से पूजा कर तिल के तेल का दीपक जलाए। आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इन दिनों आप किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो कुल देवी है आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे माता दुर्गा का कोई मंत्र है या गायत्री मंत्र या किसी भी देवी देवता का मंत्र हो आप जाप कर सकते हैं। खासकर इन दिनों साधना का ही महत्व होता है। इन दिनों में की गई साधना जल्दी सिद्ध होती है। इन दिनों माता को भोग में फलाहार और अन्न का भोग लगा सकते हैं। इन दिनों भी अन्य नवरात्रियों की तरह ही सात्विक और ब्रह्मचार्य का पालन करें। इन दिनों ही माता शीतला की पूजा की जाती है, जो सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि को होती है। इन दिनों माता का महाभिषेक करने से समस्त बाधाओं का नाश होता है, और जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में हैं उनको इन दोनों विशेषकर माता से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि 10 महाविद्याओं में बगलामुखी देवी कोर्ट कचहरी के फंदे से मुक्त करने वाली है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो माता की प्रतिदिन इतनी पूजा कर सके, तो वे सुबह या शाम किसी भी प्राचीन देवी मंदिर में दर्शन और एक दीपक जलाने से भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माता उनको भी साधना के बराबर ही पुण्य और आशीर्वाद देगी, क्योंकि माता तो सब जानती है कि किसकी भावना झूठी है और कौन सच्चा है। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग 10 महाविद्याओं की कठिन साधना न करके ये सरल पूजा करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत से लोग माता के बारे में मनगणत बातें और झूठी अफवाहें बनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से खिलवाड़ करते हैं। जब उन बातों से उनकी मनोकामना या उनकी परेशानी दूर नहीं होती है, तो उन लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। झूठे और ढोंग करने वाले दूसरों को भक्ति के नाम पर बेवकूफ और लूटने वाले ये न सोचे कि वो माता से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में होने वाली सरल साधना की जानकारी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं तीर्थों प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माँ काली, हर हर महादेव।